हेलो दोस्तों, मैं हूं सोनू। आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। और आज भाई निफ्टी 50 की एक्सपायरी है और मार्केट के अंदर अभी टाइम हो रहा है, मैं आपको बताना चाहूंगा। अभी टाइम यहां पे अच्छा खासा हो चुका है, 10 बज चुके और अभी तक मैंने अपना मार्केट के अंदर अभी ट्रेड लिया नहीं है। और मार्केट के अंदर अच्छा खासा मूवमेंट यहाँ पे आ चुका है, मैं आपको दिखाना। और आप लोग देख सकते हो, एक्सपायरी वाले दिन मैं क्या करता हूँ, हमेशा स्टार्टिंग के टाइम मतलब 10:15 से पहले पहले ट्रेड करने की पूरी पूरी कोशिश करता हूँ। आज देखो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हमारा सेटअप बनने वाला था लेकिन बना नहीं, तो हमने यहाँ पे ट्रेड लिया नहीं। तो हमने यहाँ पे क्या किया, ट्रेड बिल्कुल भी लिया नहीं। लेकिन कई सारे ऐसे लोग हैं, मैं आपको अक्सर कहता हूँ, जिन लोगों ने मार्केट के अंदर यहाँ पे ट्रेड लिया होगा भागते हुए घोड़े पे, और अभी उनको यहाँ पे काफ़ी अच्छा खासा लॉस हो रहा होगा और अभी उन्हें समझ में नहीं आ रहा है। जो इनको यहाँ पे लॉस हो रहा, चाहे 1 लाख का, चाहे 2 लाख का, चाहे 15,000 का, चाहे 2,000 का, अभी उनको जो लॉस हो रहा है अभी उनको ये चीज़ समझ में नहीं आ रही, उन्हें यहाँ पे लॉस के अंदर बैठना चाहिए या उन्हें यहाँ से निकल जाना चाहिए। यार मैं अक्सर कहता हूँ आपको निकल जाना चाहिए, क्यों, मार्केट एक्सपायरी वाला दिन है और हो सकता है मार्केट यहाँ से आपको और ऊपर जाता हुआ दिखाई दे सकता है। मार्केट आपको अक्सर, मैंने कल रात को जब हम लोग लाइव आए थे तो यहाँ पर भी पूरा कंप्लीट हमारा सेटअप नहीं बना, यहाँ पर भी हमारा सेटअप नहीं बना और यहाँ पर कई सारे लोग यहाँ पे फंस चुके हैं। और अभी यहाँ पे सी साइड का अगर यहाँ पे एक आधी कैंडल हमारी सेटअप वाली बन जाएगी तो हम लोग यहाँ पे सी साइड का जो ट्रेड है वो हम लोग यहाँ पे करेंगे। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, अभी मैं आपको चार्ट यहाँ पे दिखाने की पूरी पूरी कोशिश करता हूँ, यहाँ से आपको सारी चीज यहाँ पे क्लियर हो जाएगी। देखो तो मार्केट के अंदर क्या हुआ, आज के दिन क्या हुआ, मार्केट ने आपको अच्छा खासा यहाँ पे फंसाने की कोशिश की और कई सारे लोग यहाँ पे फंस चुके थे। मैं आपको थोड़ा सा वीडियो में लंबा हो सकता है लेकिन आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अब यहाँ देखो मार्केट अक्सर क्या करता है, जब भी कोई एकदम से कोई बड़ी कैंडल बनाता है आपको उसमें कभी ट्रेड नहीं करना चाहिए। मार्केट क्या करेगा, वहां पे आपको फंसा देगा। अभी कई सारे लोगों ने क्या किया होगा, ये वाले रेंज में बाय किया होगा। अब हो सकता पूरे दिन, अभी टाइम हो रहा है यहाँ पे 10:04 का टाइम हो रहा है, हो सकता पूरे दिन मार्केट यहाँ पे ना आए और मार्केट क्या कर रहा है, यहाँ से भी कंटिन्यूसली ऊपर जा रहा है। तो अभी कई सारे लोग ऐसे हैं जिनको ये लग रहा है कि भाई मार्केट इतना ऊपर जा नहीं सकता, मार्केट वापस डाउन आएगा, तो वो ये वाले मोमेंट को भी मिस कर देंगे। मैं आपको कहना चाहूंगा भाई, ये वाले मोमेंट को आपको मिस नहीं करना चाहिए। देखो 10:04 का टाइम हो रहा है, ठीक है, वीडियो मैं आपको अपलोड कर दूंगा काफी जल्दी जब मार्केट क्लोज होगा, तो ये वाले टाइम से आप वहां पे कंपेयर कर सकते हो कि मार्केट यहाँ से और कितना ऊपर जाता है, आपको पता चलेगा वहां पे। और अभी एक एक, एक, एक यहाँ पे स्ट्राइक प्राइस मैं पिक करता हूँ और हमारा जो ट्रेड है वो हमारा बन जाएगा अभी यहाँ पे। तो अभी अभी हमारा क्या होगा, पूरा कंप्लीट सेटअप बना नहीं, सेटअप बनने के लिए एक आधी कैंडल की यहाँ पे और आवश्यकता होती है, लेकिन एक हमारा पूरा कंप्लीट अभी सेटअप बना नहीं है, वो थोड़ा वेट कर लेंगे हम लोग। अगर यहाँ पे देखो टाइम हो रहा है, यहाँ पे 1 मिनट के बाद में हम लोग हमारा यहाँ पे ट्रेड कर लेंगे। तो अभी हमारा लगभग लगभग जो सेटअप बनने को यहाँ पे रेडी हो चुका है, तो एक स्ट्राइक प्राइस मैं यहाँ पे पिक करता हूँ। यहाँ पे अभी आपको मेरा जो चेहरा ये दिखाई देता है, इसको मैं कैसे गायब करूँ, यहाँ पे रुको यार, फिर एक मैं मोबाइल फोन में ट्रेड करता हूँ मैं यहाँ पे, और वो आपको यहाँ पे दिखाई देगा पोजीशन के अंदर और कौन सी स्ट्राइक प्राइस में पिक कर रहा हूँ, वो सारा सारा आपको पता चलेगा। तो एक स्ट्राइक प्राइस मेरे मोबाइल फोन है मेरे हाथ में और यहाँ पे मैं एक स्ट्राइक प्राइस मैंने पिक करके रखी है 19400 की। तो 19400 की जो है सी साइड की एक्सपायरी और आज की एक्सपायरी है, उसके अंदर मैं अभी यहाँ पे ट्रेड करने वाला हूँ। फिर से मैं एक बार सेटअप देखता हूँ अपना, और भाई सेटअप मेरा लगभग लगभग यहाँ पे कंप्लीट है। यहाँ पे अगर मैं अगर सेटअप की बात करूं तो पूरा कंप्लीट जो सेटअप वो मुझे बनता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है, और एक बार और रिफ्रेश कर लेता हूँ। क्योंकि मार्केट के अंदर कई बार क्या होता है कि अगर आपका इंटरनेट वगैरह अगर स्लो चल रहा है तो आपको वहां पे जो भी आप चार्ट देखते हो आपको एक बार रिफ्रेश करके जरूर देखना चाहिए, क्योंकि भाई ना सारी चीज क्या होती है हमारे ऑनलाइन के ऊपर डिपेंड करती है। और यहाँ देखो भाई हमारा जो कंप्लीट सेटअप यहाँ पे लगभग लगभग आपको बनता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। थोड़े टाइम तक मैं यहाँ पे और वेट करूंगा, क्यों, मार्केट क्या हुआ, एक अच्छी खासी ऊपर गया था। ये जो आपको आपको दिखा दूं, ये वाली जो लाइन है, ये वाली लाइन को जब ब्रेकआउट करेगा तभी जाके एक हमारा सेटअप बनेगा। और अभी आपको जो अगर आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा भाई, आपको ना वीडियो को लंबा कर सकते हो, बड़ा कर सकते हो, जैसा आपको सही लगे वहां से जाके आप देख सकते हो। और भाई मोबाइल फोन के अंदर एक स्ट्राइक प्राइस मैंने पिक करके रखी थी यहाँ पे 19400 की, तो उसके अंदर मैंने अभी यहाँ पे क्या किया है, अपना ट्रेड ले रहा हूँ। और मोबाइल फोन के अंदर भी हमारा रिकॉर्डिंग चल रहा है, और आप मोबाइल फोन का भी जो पार्ट है उसके अंदर कैसे रिकॉर्डिंग हो रहा है तो वो वाली चीज भी आप देख सकते हो, वो मैं आगे अपलोड करूंगा वीडियो के, तो वो वाली चीज भी आप देख सकते हो। तो अभी मैंने अपना ट्रेड ले लिया है, लिया नहीं नहीं लिया नहीं, थोड़ा सा ऊपर चला गया वहां पे, एक स्ट्राइक प्राइस को मैं फोकस बना के रखा हूँ, थोड़ी सी अगर वो हमारे प्राइस के आसपास आएगी तो हम लोग वहां बाय करेंगे।
अभी यहाँ पे चल रहा है भाई, आप देख सकते हो, वो चार्ट देख सकते हो, मैंने आपको बताया हमेशा चोर सेटअप कैसे यूज करते हैं, क्या करना पड़ता है। अगर आप लोगों ने चेक किया होगा तो आपको सारी चीज आपको पता होगी। और मोबाइल फोन के ऊपर मैं देख रहा हूँ पूरा कंप्लीटली, यहाँ पे लगा के रखा मैंने, आप देख सकते हो यहाँ पे डिटेल में मैंने लगा के रखा है। और अभी लगभग लगभग हमारा सेटअप बन चुका है। तो हमें तो बस मार्केट में चोरी करनी है, ज्यादा पॉइंट हमें चाहिए भी नहीं, दो तीन चार पांच पॉइंट मिल गए तो हमारे लिए बस हो जाता है यार। तो बस हमें वही पॉइंट चोरी करने, लेकिन ध्यान ये रखना भी ट्रेड हमारे खिलाफ नहीं होना चाहिए। हम लोग करते हैं यहाँ पे स्केल्पिंग। स्केल्पिंग में क्या होता है, प्रॉफिट तो कम आते हैं लेकिन अगर लॉस आना होता है तो एक के टाइम में 3-4 पॉइंट 7-8 पॉइंट अगर मार्केट नीचे आ गया तो हमारा जो लॉस है काफी बड़ा हमारा लॉस वहां पे हो सकता है। तो अभी मार्केट के अंदर अभी थोड़ी सी अभी गिरावट आई, मतलब कि जिस स्टॉक प्राइस को मैं देख रहा था अभी 19,400, उसमें यहाँ पे लगभग लगभग यहाँ पे 4 पॉइंट यहाँ पे और गिरावट आई। तो आपको रुकना यार, आपको भागते हुए घोड़े पे सवारी नहीं करना, मैं आपको अक्सर कहता हूँ। जो भी स्टॉक प्राइस मैं देख रहा हूँ वो 40-45 के आसपास चल रही है, हो सकता है मार्केट खत्म होते हो तो ये स्टॉक प्राइस 0 हो जाए। और हमने हमारा यहाँ पे ट्रेड ले लिया, मैं आपको दिखाना चाहूंगा यहाँ पे, आप पोजीशन में आके देख सकते हो, 400-500 रुपए का प्रॉफिट अब आपको देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हो यहाँ पे 2,000 का प्रॉफिट चल रहा है यहाँ पे। और मैं ट्रेडिंग ना ऐसे ही करता हूँ, आपको बताऊंगा यार, थोड़ा रुकता हूँ, थोड़ा वेट करता हूँ। अभी 2,000 रुपये मेरे लिए बस हो गया आज की डेट के अंदर, जो ज्यादा लालच नहीं चाहिए भाई मुझे यहाँ पे, ना ज्यादा ज्यादा लॉस चाहिए ना ज्यादा प्रॉफिट चाहिए यहाँ पे। और अभी हमारा लॉस में कन्वर्ट हो गया, 2,000 रुपये प्रॉफिट आ रहा था तो वो वाला प्रॉफिट मुझे बुक करना था वहां पे। तो इस बार अगर मुझे यहाँ पे 1700-1800 रुपये मिलेंगे तो मैं प्रॉफिट बुक कर लूंगा। अभी हमारा जो चल, आप देख सकते हैं यहाँ पे अभी 200, 500, 900, 1000 वापस आ चुका है, 1500 रुपए आएंगे तो फिर मैं यहाँ पे प्रॉफिट बुक यहाँ पे कर लूंगा। और भी 1000 रुपए चल रहा है वापस यहाँ पे, 700 आ रहा है, 500 आ रहा है। तो अभी मार्केट क्या कर रहा है, एक रेंज में बनने की कोशिश कर रहा है। एक मोमेंट मिला था बुक करना था लेकिन बुक नहीं कर पाया, मुझे बुक करना था वहां पे यार, क्यों मैं अक्सर ना ऐसे ही ट्रेड करता हूँ, आप लोग मेरे ट्रेड वगैरह देखते होंगे तो आज थोड़ा सा गलती हो गया, बुक करना था मुझे यार ये, मुझे मैं फटाफट मोमेंट वाला आदमी हूँ यार, मैं मुझे ये नहीं चाहिए 2,000 के बाद में 4,000 हो जाए, 4-5,000 हो जाए, वो उतना मुझे आवश्यकता नहीं है। अभी जो 1500-2,000 आएंगे तो हम लोग फटाफट बुक करेंगे यहाँ पे यार, क्यों एक्सपायरी वाला दिन है तो ज्यादा हम लोग रिस्क वगैरह यहाँ पे लेंगे नहीं। यहाँ पे तो आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है, तो फटाफट बुक ही करना भी हमें तो यहाँ पे। काफी ज्यादा जो उठा पटक है वो आपको देखने को मिल रही है, चाहे पी साइड की बात की जाए चाहे सी साइड की बात की जाए, दोनों साइड के जो मूवमेंट है आज वो आपको देखने को मिले। और आपको याद होगा अर्ली मॉर्निंग मैंने सुबह वीडियो बनाया था, मैंने कहा भी था
मार्केट आपको पी साइड की साइड फंसा सकता है। और कई सारे ऐसे लोग होंगे मार्केट के अंदर जो आंख बंद करके ट्रेड करते हैं, जिनको यहाँ पे चार्ट की समझ नहीं है, वो यहाँ पे पी साइड का ट्रेड लेंगे और वो आज अपना कैपिटल के अंदर काफी बड़ा जो नुकसान है वो यहाँ पे करवा सकते हैं। और अभी आप लोग देख सकते हो आज जो हमारा टोटल प्रॉफिट है, आपको 3,000 रुपए का जो टोटल प्रॉफिट है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। लेकिन एक बात बताना चाहूंगा, आज जो हमारा टोटल प्रॉफिट था वो हो चुका था यहाँ पे 7,000 के आसपास हमारा टोटल प्रॉफिट हो चुका था। बाद में एक कैंडल अच्छी खासी बनती है जो उसके अंदर गिरावट आती है, तो फटाफट जाके हम लोग हमारा जो 3,000 रुपए का प्रॉफिट है वो हम लोग यहाँ पे बुक कर लेते हैं। और आपको अभी जो हमारा प्रॉफिट काफी कम देखने को मिलते हैं, कभी 2,000 का प्रॉफिट, कभी 3,000 का प्रॉफिट। जब मैं अपना 2 महीने का विथ वेरीफाइड पैनल हर बार में अपलोड करते हुए आया हूँ, अगली बार जो अभी हमारा 1 महीने बाद जो 2 महीने हो जाएंगे, जो हमारा 2 महीने का विथ वेरीफाइड पैनल आपके सामने आएगा, तो आपको यहाँ पे काफी ज्यादा मोटिवेट मिलने वाला है कि भाई हम लोग यहाँ पे 2,000 का प्रॉफिट, 3,000 रुपए का प्रॉफिट, 7,000 रुपए का प्रॉफिट, ऐसे करते करते हम लोग 2 महीने के अंदर, 1 महीने के अंदर 1 लाख रुपए से लेके 2 लाख रुपए का जो विथ वेरीफाइड पैनल है वो हम लोग कर सकते हैं। तो यूट्यूब के ऊपर क्या होता है, कई सारे ऐसे लोग हैं जो दिन के 2-3 लाख रुपए कमा लेते हैं, लेकिन आपके सामने वो 1 महीने का विथ वेरीफाइड, 2 महीने का विथ वेरीफाइड पीएनएल आपको नहीं दिखा सकते हैं। अभी जो मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया है भाई, 3,000 रुपए निकालने के लिए भी आज हमें यहाँ पे काफी ज्यादा यहाँ पे मेहनत करनी पड़ी। अभी आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, और अभी हम लोग चार्ट के ऊपर जाके चेक करने वाले हैं। और अभी आप लोग यहाँ पे देख सकते हो हमने यहाँ पे क्या किया, कॉन्टिन्यूटी हमने यहाँ पे यूज की 900, और 48 के आसपास हमने बाइंग किया। और आप लोग यहाँ पे फंड देख सकते हो, हमने यहाँ पे 43,000 का टोटल फंड हमने यूज किया। और सेल देख सकते हो यहाँ पे हमने 52 के आसपास हमने सेल किया, और 3,170 रुपए का हमने यहाँ पे टोटल प्रॉफिट बुक किया। और मैं आपको दिखाना चाहूंगा चार्ज हमारा कितना लगा है। कई सारे लोग कमेंट करते हैं, सर आप ना इतने लॉट के साथ ट्रेड करते हो तो आपके यहाँ पे 700-800 रुपए तो आपके वो लग गए चार्ज। तो ऐसे कई सारे कमेंट आते हैं, मैं आपको यहाँ पे चार्ज दिखाना चाहूंगा। ऑर्डर बुक के अंदर आपको जाना है, ये जो कॉन्ट्रैक्ट नोट है, आप जैसे कॉन्ट्रैक्ट नोट के ऊपर करोगे तो आपको पता चलेगा आपका टोटल कितना चार्ज लगा। आप देखते हो ब्रोकरेज, इसमें देखो आप इस टाइम ड्यूटी आप देख सकते हो यहाँ पे, एक्सचेंज आप देख सकते हो यहाँ पे, सेबी का जो चार्ज है वो कितना लगा है, जीएसटी 15 रुपए वो लगा है। टोटल हमारा चार्ज लगा है 130 रुपए के आसपास, जो टोटल चार्ज है वो हमारा लगा है। और प्रॉफिट हमें कितना हुआ, 3,170 रुपए का हमारा टोटल प्रॉफिट हुआ। 130 रुपए आप उसमें निकाल सकते हो, तो लगभग लगभग आज हमारा जो प्रॉफिट है 3,000 रुपए का जो टोटल प्रॉफिट है वो अभी आपको यहाँ पे देखने को मिला है। अगर भाई मोबाइल फोन से जो आज मैंने ट्रेड लिया था उसके मैं शॉर्ट वीडियो बना के अपलोड कर रहा हूँ यूट्यूब के ऊपर, वो भी आप जाके चेक कर सकते हो। अब हाँ, एक मेन पॉइंट भाई, एक हमारे जो टेलीग्राम ग्रुप है, तो कई सारे कमेंट करते हैं टेलीग्राम ग्रुप सर आपका मिलता नहीं, तो आपको भाई आपको यहाँ पे सिंपल सर्च करना है ट्रेडिंग विद सोनू। जैसे आपके सामने ये वाला पेज दिखाई देगा ट्रेडिंग विद सोनू, आपको जाके इसको फॉलो कर लेना है, क्योंकि हमारे नाम से कई सारे फेक अकाउंट बन चुके हैं, उन लोगों से आपको बच के रहना है। जैसे ही आप हमारे ग्रुप को ज्वाइन करोगे वहां पे जो डेली अपडेट है मेरे, आपको वो दिखाई देंगे। और उनके व्यू देखने, अगर उनके 400, 500, 600, 700 अगर व्यूज आपको दिखाई दे रहे हैं तब भी जाके ग्रुप ज्वाइन करना है, वरना ग्रुप आपको ज्वाइन नहीं करना है। तो इसका लिंक भी मैं आपको नीचे दे दूंगा। अभी यहाँ देखो भाई, और यहाँ पे सुमित ने आज भाई चोर सेटअप से ट्रेड किया। आप सुमित का आप देख सकते हो यहाँ पे 6,000 रुपए का इन्होंने आज प्रॉफिट गेन किया यहाँ पे। और इनका कमेंट आ चुका है यहाँ पे, वंस अगेन चोर सेटअप एंड एक्टिवेट एंड स्मॉल प्रॉफिट, थैंक यू स्लोट भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपका सुमित। यार मैं आपको अक्सर कहता हूँ भाई, चोर सेटअप हमारे बीच में एक दो महीना बंद था, तो वापस हमारा चोर सेटअप आ चुका है यहाँ पे। तो भाई सुमित आपको भी बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। और कई सारे हमारे पास कमेंट वगैरह आते रहते हैं, लेकिन मैं सबके रिप्लाई वगैरह यहाँ पे नहीं कर पाता हूँ, तो भाई उसके लिए सॉरी। और मैं चोर सेटअप का जो लिंक आपको पर्सनली कभी सेंड नहीं करता हूँ। अभी यहाँ देखो मैं आपको बताना चाहूंगा, देखो हमारा एक तो चोर सेटअप यहाँ बना, आपने अगर चोर सेटअप लिया होगा देखा होगा, तो देखो ये वाली कैंडल के आसपास हमारा यहाँ पे चोर सेटअप बना, और कितना अच्छा खासा जो मोमेंट है वो आपको यहाँ पे देखने मिला। और यहाँ पर भी एक हमारा चोर सेटअप बना यहाँ पे, मतलब यहाँ पे जैसे ही मार्केट में गिरावट आनी स्टार्ट हुई तो ये वाली कैंडल आपको दिखाई दे रही है, यहाँ पे आपकी एंट्री बनती यहाँ पे। और ये जो दो हरी कैंडल बनी, आपको मैं अक्सर कहता हूँ जब भी मार्केट इसी रेंज में नीचे आता है, जब भी यहाँ पे चाहे मार्केट ऊपर जाए चाहे मार्केट नीचे आए, अगर बीच में अगर आपको इस प्रकार की कैंडल अगर दिखाई देती है तो मार्केट आपको फंसाने की कोशिश करता है, आपको फंसना नहीं है। अभी कई सारे लोग क्या करेंगे, इन दो कैंडल को देख के क्या करेंगे, सी साइड का ट्रेड ले लेंगे। मार्केट देखो कितनी अच्छी खासी गिरावट आपको देखने को मिल रही है। अब ये नॉर्मल कैंडल नहीं है, मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूंगा, कई सारे लोग इसको नॉर्मल कैंडल में अप्लाई करेंगे तो गलत होगा। ये जो नॉर्मल कैंडल में जाता हूं, अब यहाँ देखो पूरा पूरा चार्ट आपको चेंज होता हुआ दिखाई देगा। अब यहाँ ये हमारी है नॉर्मल कैंडल, अभी नॉर्मल कैंडल में आपको पता नहीं चलेगा मार्केट का मूवमेंट क्या। अभी यहाँ देखो ये आगे हमारे नॉर्मल नॉर्मल कैंडल, यहाँ पे क्या हो रहा है, मार्केट तो मार्केट में गिरावट आ रही है, लेकिन गिरते हुए मार्केट में आपको चार हरी कैंडल दिखाई दी, 1, 2, ये 3 और ये 4।
तो इसके अंदर क्या होगा, आपको समझ भी नहीं आएगा मार्केट यहां से ऊपर जाएगा या डाउन आएगा। और जैसे ही हम लोग यहाँ पे कैंडल चेंज करते हैं, लेकिन ये कैंडल काफी रिस्की कैंडल, मैं आपको बार बार कहता हूँ, ये कैंडल अगर आपको नहीं समझ में आती है, आपको ये कैंडल से दूर होना चाहिए, कम से कम 3-4 महीने का टाइम लग जाता है ऐसी नई कैंडल को सीखने के लिए। तो ये भाई हमारे एक हमारा चोर सेटअप है, तो ये नॉर्मल कैंडल नहीं, अगर आप की वाली कैंडल यूज करके फटाफट ट्रेड लोगे ऐसा नहीं होता है, इसके अंदर भी कुछ कैंडल बनती है, तो उसी का नाम भी हमारा एक चोर सेटअप है। तो भाई और अभी आप लोगों ने देखा भी, आज एक्सपायरी वाला दिन था, अच्छे खासे मूवमेंट हमें देखने को मिले, लेकिन उसके बावजूद भी हमने यहाँ पे ट्रेड लिया नहीं, क्योंकि एक ओवर ट्रेडिंग आपकी ऐसी बंद होगी। अगर आपको लग रहा है मार्केट में मूवमेंट आ रहा है, मार्केट में मूवमेंट आ रहा है, अगर आप लोग एक ही दिन अगर अपने अनुशासन को ब्रेक करते हो, आज आप ब्रेक करोगे, कल भी आप ब्रेक करोगे, परसों भी आप ब्रेक करोगे, 100 में से क्या होगा, अगर आप ओवर ट्रेडिंग करोगे ना, तो 100 में से आपको 7-8 बार ऐसा होगा कि भाई आपके फेवर में आपका ट्रेड जा सकता है, लेकिन 90% क्या होगा, जो आपने पहले ट्रेड में प्रॉफिट किया है, सेकेंड ट्रेड के अंदर आपका जो पहले ट्रेड का प्रॉफिट है वो लॉस में कन्वर्ट हो जाता है। तो ऐसी गलतियों से हमें अक्सर बचना चाहिए। और आज का मार्केट काफ़ी शानदार था, तो जिन जिन लोगों ने आज मार्केट के अंदर प्रॉफिट किया, तो सभी को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। अगर किसी ने आज मार्केट के अंदर लॉस किया, तो भाई आपको मार्केट समझना पड़ेगा, अपना दिमाग मत लगाओ यार। मैं आपको बार बार कहता हूँ, मार्केट काफ़ी सिंपल है, आप जितना सिंपल रखना चाहोगे आपके लिए उतना अच्छा होने वाला है। अगर आप लोग अपना दिमाग लगाओगे कि भाई मार्केट इतने इतने दिन से डाउन चल रहा है, मार्केट आज ऊपर जा सकता है, मार्केट लगातार ऊपर जा रहा है, मार्केट डाउन आ सकता है, तो ऐसा दिमाग नहीं चलाना है। आपको चार्ट में क्या दिख रहा है, आप किस चीज़ को सोचते हो, किस चीज़ को देख के मार्केट में ट्रेड करते हो, क्या वाकई में वो चीज़ मार्केट में बन चुकी है, तो सारी चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है।